वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में SPD रिवाइज योर सेल्फ का पेज नंबर 80 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण में परावैज्ञानिक किरणें, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा CV देसाई ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कठोर जल, ऑप्शन डी। निम्न में कौन सी गैस ऊष्मांक सर्वोच्च होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्यूटेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचाय बैटरी में किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, सही उत्तर इसका है और अभिसाधन द्वारा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मायका क्या है, मायका विद्युत का कुचालक है, सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, सही उत्तर इसका 212 डिग्री। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है CO2, ऑप्शन बी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, राइट आंसर बी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, ट्रिगर न्यूट्रॉन है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया, राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, इस शीशा में, ऑप्शन बी। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कैरामल का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, NTPM पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 24.4 लीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, अपमार्जक है शोधक अभिकर्ता, ऑप्शन डी। RDX का पूर्ण रूप है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, सही उत्तर इसका है पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन डी। पानी में फिटकरी एलम मिलाई जाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया को मारने के लिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, राइट आंसर बोलर ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, सही उत्तर इसका बूड एल्कोहल, ऑप्शन सी। DDT का पूर्ण रूप क्या है, DDT का पूर्ण रूप है डाइक्लोरोडाइफिनाल ट्राइक्लोरोइथेन, ऑप्शन डी। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है, सही उत्तर इसका हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग
विधि से राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये सभी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। सही उत्तर इसका है ट्राइटियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन से त्यागने की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। सही उत्तर इसका ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। अब करण राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया, तो ये सोरेनसन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो ये प्रोटीन है, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, सही उत्तर इसका एंजाइम, ऑप्शन सी।